हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वसीम क्रिएशन पर। दोस्तों आज आप देख रहे हो कि हमारे पास जी भाई है महिंद्रा की, उस गाड़ी को हम रिस्टोर करने वाले हैं। पहले से भी इस गाड़ी में बॉडी नया डला हुआ है, आप देख सकते हो कि बॉडी इसमें पूरा सड़ चुका था पहले। उसकी फ़ोटो भी मेरे पास इमेज कुछ है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में। जब तक क्या मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो कि फ्रेम भी इसकी पूरी नहीं लगा रखी है, बॉडी से सारी चीज़ें इसमें नहीं डल चुकी है। जैसे इसके मडगार्ड भी नहीं आ गए, बोनट नहीं आ गया, पूरा बॉडी का चेचिस बॉडी नहीं आ गई है, और चेचिस पर भी ब्लैक कलर कर दिया है क्योंकि बॉडी नहीं डाली थी वो टाइम पर ही, चेचिस पर ब्लैक कलर कर दिया था। ये इसके पीछे की डिक्की ये भी नहीं मिला ली है, और बहुत सारा सामान इसमें नया भी आया है और कुछ सामान पुराना भी है। जैसा सीट आप देख सकते हो कि स्विफ्ट डिज़ायर की सीट रखी हुई है, इसमें स्विफ्ट डिज़ायर की सीट लगेगी, सेकंड हैंड सीट है। इसमें पहले की सीट पूरी ख़राब हो चुकी थी, और ये डीजल टैंक आप देख सकते हो कि डीजल टैंक भी नया लाए हैं पहले। और आप इसकी व्हील की कंडीशन देख सकते हो कि व्हील अभी इसमें बहुत छोटे लगे हुए और टायर भी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन हम व्हील इसमें बड़े साइज के लगाने वाले हैं, अलॉय व्हील लगाएंगे हम गाड़ी में। बैटरी इसमें नहीं लगी हुई है, आगे हेडलाइट हम चेंज करने वाले हैं। हो सका तो इसमें हम प्रोजेक्टर लाइट लगाएंगे या फिर ओरिजिनल जो कंपनी से हेडलाइट आती है उसी टाइप से हेडलाइट लगाएंगे। और इसका बम्पर फ्रंट वाला पूरा टूटा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ से, तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाइड करने वाले हैं। और बाकी लाइट डेकोरेशन वगैरह करेंगे, जैसे बोनेट इंडिकेटर वगैरह चेंज करेंगे। इसमें अभी इंडिकेटर फ़िलहाल में नहीं है, यहाँ पे भी एक ढक्कन लगेगा। तो चलिए इसमें क्या क्या सामान अभी नया आ चुका है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में फिर नया सामान भी लाएंगे। ये इसके फुटरेस्ट है जो पहले चलता था, गाड़ी को हम ओरिजिनल ही बनाएंगे, ज़्यादातर मॉडिफाइड नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर गाड़ियाँ मॉडिफाइड होती है, लेकिन हम इसे ज़्यादातर ओरिजिनल में दिखाएंगे गाड़ी को। इसका रूफ टॉप सेटअप भी लगाएंगे पूरा। तो चलिए बने रहिए एक वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पर आप देख सकते हो कि हमने पूरा इसमें गड्डर लगाई है लोहे की। इसमें पहले वाला बम्पर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, काफ़ी ख़राब हो रहा था, बीच में से बेंड हो चुका था, लेकिन अभी हमने इसमें लोहे की गड्डर लगा दी। बहुत ही बम्पर बनाया है इसका फ्रंट का, वो इसलिए बनाया क्योंकि गाड़ी ये 4x4 है। जैसे मैंने आपको इसका पिनियन दिखा देता हूँ फ्रंट में, आप देख सकते हो ये 4x4 का पिनियन लगा हुआ है इसमें। दोस्तों आप देख सकते हो कि अपने महिंद्रा जिम में ऊपर का जो रूफ सेटअप का जो पाइप रहता है वो लगा दिया है हमने। इसमें पूरा वेल्ड करके बनाया है पाइप को, पाइप में बेंड करवाया हमने, और फिर उसके बाद में यहाँ पर वेल्ड किया है। कुछ इस टाइप से इसकी फिटिंग बन चुकी है। व्हील देख सकते हो कि हम, मैंने जैसे आपको बताया था कि इसकी में व्हील हम अलॉय व्हील डालने वाले हैं, तो अलॉय व्हील हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम इसमें थार के व्हील लगा रहे हैं। देख सकते हो आपकी थार का काफ़ी बड़ा व्हील है, ये व्हील का साइज़ है 17 इंच, देख सकते हो आप 17 इंच के हम व्हील लगा रहे हैं। पहले इसमें 15 इंच के थे लगे हुए, और पहले का व्हील और अभी के व्हील में बहुत फ़र्क है आप देख सकते हो। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये है इसका पुराना व्हील, और ये है थार के व्हील। पुराने व्हील इसके 15 इंच के थे, 16 इंच के, सॉरी ये 16 इंच लिखा हुआ है, 16 इंच के व्हील लगे हुए थे, और अभी हम इसमें 17 इंच के व्हील लगा रहे हैं थार के। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसमें आएगा लुक। बने रहिए वीडियो के साथ। गाड़ी में हमने कलर भी फाइनल कर लिया, हम पूरी गाड़ी पर ऑरेंज कलर करने वाले हैं। फुल ऑरेंज नहीं रहेगा, थोड़ा सा येलो जैसा रहे। बाकी गाड़ी की एसेसरीज वगैरह भी सब आ चुकी है, और बम्पर भी आप देख सकते हो कि पूरा हमने गटर को वेल्डिंग किया है, आई गटर जैसे मैंने पहले आपको बताया था इसके बारे में भी। तो चलिए दोस्तों आप पूरी इस गाड़ी को हम फाइनल कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें व्हील अभी फिटिंग, व्हील की फिटिंग का थोड़ा सेटअप बन रहा है, व्हील फिट करेंगे, उसके बाद में फिर हम कलर करेंगे गाड़ी के ऊपर। अभी पहले बेस कोट होगा, फिर उसके बाद में कलर होगा, फिर गाड़ी की लगेगी एसेसरीज। जो भी एसेसरी लाए हैं कस्टमर, वो हम सारी एसेसरी लगाने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने दो फ्रंट टायर लगा दिए हैं, कुछ इस टाइप से की फिटिंग बने। टायर काफ़ी बाहर जा रहा देख सकते हो बॉडी से। अभी हम इसके ऊपर भी ब्लैक पट्टी लगाएंगे जो आती है मडगार्ड की, क्लैडिंग बोलते हैं ब्लैक कलर की, यहाँ पर भी फिट होने वाली है, तो टायर उसके बॉडी के लेवल का हो जाएगा। और लुक आप देख सकते हो कि गाड़ी की काफ़ी हाइट बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ऊँची दिख रही है। अब पीछे का टायर आप देख सकते हो और फ्रंट का टायर देख सकते हो। अभी हम रियर टायर भी लगाने वाले हैं, थोड़ा आगे की फिटिंग बराबर कंप्लीट कर लें उसके बाद। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने क्रीम कलर का बेस कर दिया है, अब इसके ऊपर हम करने वाले हैं फाइनल कलर। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, फाइनल कलर की प्रोसेस शुरू करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो कि गाड़ी में हमने कलर फाइनल कर दिया है ऑरेंज कलर, कुछ इस टाइप से कि हमने ज़्यादा तेज ऑरेंज नहीं किया, नहीं तो गाड़ी पूरी अलग दिखती, इसलिए हमने कुछ इस टाइप से कलर किया है। देख सकते हो थोड़ा येलो और ऑरेंज का कलर आ रहा है, अभी लाइट की वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम आपको इसके दिन के थोड़ा सिनेमेटिक शॉट भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हो कि कलर कर दिया है, कलर की क्वालिटी वगैरह देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, भी शाइनिंग आ चुकी है फ्रंट ग्रिल पर, देख सकते हो बोनट पर, देख सकते हो ग्लोसी कलर किया है हमने पूरा इस पर। इंटीरियर को हम पूरा ब्लैक कलर करने वाले हैं, अंदर फर्श में ब्लैक होगा और जो साइड की जो बॉडी रह गई यहाँ पर ब्लैक कलर होगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि गाड़ी का काम चल रहा है, लगभग लगभग एसेसरीज फ्रंट से लग चुकी है, देख सकते हो कुछ स्टेप से हमने इसमें एसेसरीज लगाई है, दो आगे फॉग लाइट बड़े वाले लगाए हैं और दो छोटे वाले लगाए हैं, बाकी हेडलाइट है, इंडिकेटर के ऊपर भी ग्रिल लगाई है और फिर उसके बाद में आप मिरर देख सकते हो जो विली जीप में आते हैं उस टाइप उसके मिरर हमने लगाए हैं दोनों। थोड़ी फाइनल गाड़ी कंप्लीट हो जाए उसके बाद की प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। पीछे ब्लूरो टेल लाइट भी लगा दी हमने, बॉडी को कट करके ब्लूरो टेल लाइट लगे। अभी आप देख सकते हो कि इसके सिर पे पीछे व्हील दिख रही है, दो और बॉडी दिख रही है, अभी व्हील लगाना बाकी है स्पेयर व्हील। चलिए फाइनल गाड़ी के ऊपर सीधे मिलते हैं। इंटीरियर को पूरा फर्श को हमने पूरा ब्लैक कर दिया, आप देख सकते हो। देख सकते हो कि फाइनली अपनी गाड़ी कंप्लीट हो गई और कुछ इस टाइप से इसका फाइनल लुक बना है। इस गाड़ी में हमने क्या क्या काम किया है इसकी सारी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा रिस्टोरेशन का काम? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।